नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। टेक्निकल हनुमान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पेनड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी पेनड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, जो कि आपके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बहुत काम आएगी। बिना सीडी के, बिना डीवीडी के आप किसी भी लैपटॉप और कंप्यूटर में ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल हनुपंक, उसको आप सब्सक्राइब करना। बस यहाँ से आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और यहाँ पर भी एक और सब्सक्राइब हियर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसके आगे की प्रोसेस। तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो वो डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल में। मैंने गूगल को ओपन किया। जैसे मैंने गूगल को ओपन किया, इसमें उसका नाम लिखूंगा, रिफ्यूज बूट पेन ड्राइव। ये मैंने इसमें गूगल में सर्च किया। तो जैसे मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्यूज क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव इजी वे। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने पे उसकी वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी। देखिए इसकी वेबसाइट अभी ओपन हो चुकी है। देखिए रिफ्यूज क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव इजी वे, यहाँ से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो पहले से ये डाउनलोड कर चुका है, तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड होता है। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे सेव कर चुका हूँ क्योंकि मैं इसे पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं और अभी सीधे चलते हैं डाउनलोड में। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है रिफ्यूज 2.11। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे डबल क्लिक किया तो ये ओपन होने के लिए बोल रहा है और ये ओपन हो गया। देखिए ये आपका रिफ्यूज सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो आप इससे कोई भी पेन ड्राइव जिसको आप बूटेबल फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी बूट प्रोसेस में इनबिल्ट कर सकते हैं, यानी उसको बूटेबल बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिए। तो यहाँ पे मैंने दो ड्राइव है, एक तो पेन ड्राइव है और एक मेरा एसडी कार्ड है। ये ऊपर जो दिख रहा है 4 GB का ये एसडी कार्ड है और 16 GB की ये पेन ड्राइव है। तो मुझे इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, दो ऑप्शन दे रखे, इसमें से मैंने 16 GB का मेरा पेन ड्राइव यूएसबी ड्यूल यूएसबी इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए इसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा, पार्टीशन स्कीम फॉर टारगेट सिस्टम टाइप। यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बायोस और UEFI इसको ही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फाइल सिस्टम, आपको इसमें कौन सा फाइल सिस्टम रखना है। इसमें 4 फाइल सिस्टम बता रखे, FAT32, NTFS, UDF, EXFIT। अपने विंडोज के लिए तो NTFS और FAT32 ही काम देंगे, और जो UDF और EXFIT ये Ubuntu यानी लिनक्स के हैं, तो इन्हें अपने छेड़छाड़ नहीं करने, क्योंकि हम अभी विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इसलिए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम FAT32 अपनाते हैं या फिर NTFS, हमने अभी नया फाइल सिस्टम है NTFS इसको अपनाते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम लेवल तो 16 GB रहने दें। अब यहाँ पे देखिए चेक डिवाइस फॉर बैड सेक्टर, अभी बैड सेक्टर का तो मसला है ही नहीं, इसमें नई पेन ड्राइव है इसलिए ये ओके नहीं करना है। क्विक फॉर्मेट यानी क्विक फॉर्मेट हो जाएगी। क्रिएट ए बूटेबल डिस्क यूजिंग, अभी हमें एक बूटेबल डिस्क बनानी है, यानी सिर्फ खाली बूटेबल बनानी है या इसमें कोई IOC फाइल डाल के इसको बूटेबल बनानी, दो ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है IOC फाइल, तो इसमें क्रिएट ए बूटेबल डिस्क यूजिंग IOC फाइल, क्या आप IOC फाइल को इसमें डाल के इसको बूटेबल बना देते हैं या फिर खाली डोज के लिए इसको सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, IUC इमेज और DDF इमेज।
तो मुझे डीडी इमेज डोस के लिए इमेज बनानी है। तो अब एंटीवायरस में अगर आप करोगे, देखिए इसमें मैंने एंटीवायरस किया तो यहाँ पे आपको डीडी इमेज और आईएसओ इमेज दो दो इमेज एंटीवायरस में आपके आएगी। अब जो डोज सिस्टम है वो तो सिर्फ आपको फैक्ट्री डोज में मिलेगा, एक खाली इसको डोज में फॉर्मेट करनी है। तो इसके लिए मैं इसको डोज में फॉर्मेट करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें कोई आईएसओ फाइल नहीं डालनी है या डीडी इमेज हमको नहीं डालनी है, सिर्फ खाली डोज सिस्टम जो होता है बूटेबल उसी को बूटेबल बनाना है। तो मेरे पास तो अभी आईएसओ इमेज है नहीं, इसलिए मैं इसको फ्री डोज यानी सिर्फ और सिर्फ बूटेबल पेन ड्राइव बना चाहता हूँ। तो इसमें तीन सिलेक्ट कर दिए, अब यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ऑल डाटा विल ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी इसमें कोई भी डेटा है आपका पुराना वो अभी डेंट हो जाए या फिर इसको ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं बोलता कोई बात नहीं, इसको फॉर्मेट कर दो। तो जैसे मैंने इसको फॉर्मेट के लिए ओपन ओके किया तो ये अपना बूट प्रोसेस का पूरा फाइल सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रहा है। तो देखिए ये रेडी हो गया, देखिए इसमें तीन फाइल आ गई, फर्स्ट है लोकल ऑटरन, और लोकल में आपको ये डोज सिस्टम का पूरा बूटेबल के लिए डोज की फाइलें इसमें इंस्टॉल कर दिए। तो अभी ये आप किसी भी कंप्यूटर में बायोस में जाके बूटेबल बूटेबल में बूट ऑप्शन में आप जाना, तो वहाँ से आप तो जो बूट ऑप्शन होंगे हार्ड डिस्क, उसके बाद सीडी रोम या डीवीडी रोम या फिर आपकी पेन ड्राइव, आप यानी यूएसबी पेन ड्राइव कुछ भी यूएसबी आ जाएगा। तो यूएसबी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और आप बूट प्रोसेस पेन ड्राइव को डाल के फिर बूट प्रोसेस करेंगे तो आपकी ये पेन ड्राइव बूट हो जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। तो इस प्रकार आप किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और